हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पूजा और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज है मेरे साथ अर्चना। फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो हर, शी इज माय सिस्टर एंड आज हम दोनों एक चैलेंज करने वाले हैं विच इज कॉल्ड गेस द थिंग चैलेंज। इसमें हमने अपने पूरे घर से पांच पांच चीजें सिलेक्ट करी हैं एंड वी आर गोइंग टू गेस। हम ब्लाइंड फोल्डेड होंगे और अगर हम सही गेस नहीं कर पाए एक दूसरे की चीजें, पांच इसने सिलेक्ट करी है, पांच मैंने सिलेक्ट करी है, मैंने इसे अपनी चीजें नहीं दिखाई हैं और मैंने भी इसे अपनी चीजें नहीं दिखाई हैं। और अगर हम कोई चीज सही गेस नहीं कर पाए तो हम एक दूसरे को डेयर देंगे और डेयर कुछ भी हो सकता है। मैंने पांच की जगह सात चीजें इकट्ठी की, मैंने पांच ही करी है पर मैं उनमें से सिर्फ पांच ही दूंगी। हाँ, जस्ट पहले ये चेक कर लेगी कि कहाँ पे मैं फंस रही हूँ, अगर वो सिमिलर चीजें मैं पहचान पा रही होंगी तो ये हटा देगी। ये तो बहुत कन्वीनियंट है, ऐसा कुछ नहीं, पांच ही सिलेक्ट होंगी, ये पांच की बात है। अच्छा, तो लेट्स जस्ट स्टॉप आर लड़ाई हियर एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। स्लीपिंग मास्क फ्रॉम मिनीसो, इट्स वेरी क्यूट। इसमें एक जेल वाला भी आता है कुछ, वो अर्चना ने पता नहीं कहाँ कर दिया, वो अभी हमने निकाल दिया है। आई यूज इट नाउ एंड फर्स्ट पूजा की टर्न है, देन मेरी टर्न है, तो अभी ये पूजा को हम पहना देते हैं। थोड़ा तो मैं एडजस्ट थोड़ा पूजा का सर बड़ा हो गया तो मेरे साथ सॉरी, ये मेरे साथ जो सेट था। ओके सो गाइज, ये हमारा सेक्सी लुक है जो पूजा लग रही है, बिल्कुल एक पैंडा जैसी। ये कितनी उंगली है भाई, इसको सब दिख रहा है, मैंने बोला भी नहीं, अपने आप बोल के नहीं। ऐसी होता है जब आप किसी को ब्लाइंड फोल्ड करते हो तो भाई उससे पूछते हो। ये है 3-12 है ये तो, ठीक है, नहीं दिख रहा, डन। अब मुझे हमने दो बैग्स बनाए थे तो मेरा बैग, मतलब मेरा वाला नहीं, तेरा बैग तो तूने बनाया। हमने घर का गंदे क्या कहते हैं पेपर बैग का, पेपर बैग का जुगाड़ करके हमने ये गंदी थैलियों में भरा है सामान। पेपर बैग, ये पेपर बैग तो नहीं था मेरा वाला, क्लॉथ बैग। इसी से पता लग रहा है कि अर्चना ने कितनी पढ़ाई लिखाई करी है। ओके सॉरी, ये कट कर वाली चीज मैं तू खुद निकाल के देगी या मैं खुद सेलेक्ट करूं? नहीं नहीं, मैं एक एक करके निकाल के दूंगी ना, देन यू हैव टू गेस। ओके, पहले तू कैमरा पे दिखा दे वो क्या चीज है। हाँ, ताकि पीपल नो। ओके सो लेट्स स्टार्ट, बोल मत दियो क्या है। शट अप। सो लेट्स स्टार्ट विद द इजी वन फर्स्ट। ओके सो मैं अपने व्यूअर्स को दिखा देती हूँ कि ये क्या है। इट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्ट, वेरी यूजफुल, स्पेशली। तू इतनी हिंट्स क्यों दे रही है? स्पेशली एट नाइट्स तो पता लग जाएगा, फिर तो मुझे पक्का पता चल जाएगा। बिकॉज इट्स ईजी, ये पहला इट्स वेरी, आई एम गिविंग यू सम हिंट्स बट उसके बाद नहीं। सो इट्स वेरी यूजफुल। तो मुझे पता है यार क्या है ये, ऑल आउट गुड नाइट या ऑल आउट में से कुछ है पक्का, उसके नीचे वो वाला लगने वाला। इतनी गंदी सी, इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, कौन नहीं गेस कर सकता है, इतनी बेवकूफ वाली बात है। सही है कि गलत है? तो ठीक, पर मुझे स्मेल नहीं आ रही। ओ, अगर स्मेल नहीं आ रही तो पक्का इज दैट यू कोको। अच्छा ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हम पूजा को दे देते हैं। सेकंड, चलो ये थोड़ा इजी हो गया था, थोड़ा मुश्किल करते हैं। सो सारे गेस ना कर लूं कहीं, मैं अपने व्यूअर्स को फिर से दिखाना चाहती हूँ ये एक और यूजफुल प्रोडक्ट। पता है नाइट वाली हिंट दे दी वरना थोड़ा सा टाइम लगता। अब नहीं दे रही मैं, हर प्रोडक्ट को यूजफुल बोलने वाली, वो ट्रिक है। ओके तो अब हम पूजा के फिर हाथ में ये रखने वाले हैं जो कि गिर चुका है। नहीं नहीं, ये भी गेस कर लूंगी। टडा फेवी स्टिक यार, ये कितनी इजी चीज है यार। कंपनी बताओ फेवी स्टिक की, ये कोई बात नहीं भाई, बताना पड़ेगा। येलो ब्लू वाली फेवी स्टिक, हाँ येलो ब्लू वाली, या फिर वो ग्रीन गंदी सी जो तू लाती है। अरे नहीं दिख रहा भाई, ऐसा ही कुछ है मतलब। नहीं, यार ये नहीं होता, फेवी स्टिक तक सही है, अब ये ब्रांड थोड़ी बता सकता है कोई इंसान। ठीक है, ये ब्लू और येलो ही है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ये सो द थर्ड थिंग इज, चलो अब जब हग दिया है तो पूरा हगेंगे।
अब ये तीसरा प्रोडक्ट है, ये बहुत यूजफुल है. ये तो बंदा है, इंसान है, इसको मैं छू. ये है प्रोडक्ट. ओके गाइस, तो अब ये थर्ड प्रोडक्ट है जो कि बहुत यूजफुल है, और अब मैं ये पूजा को दूंगी एंड उसको गेस करना है. यार बोल भी ना कि मतलब क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है. यार मुझे प्रोडक्ट ही पता लग जाता है, उतने रद्दी प्रोडक्ट लेकर आई है. ये मैं तेरे को देने वाली थी. क्या है, बोल ना. उसके ये वो है यार, फेविकॉल है ये. नो, दिस इज नॉट फेविकॉल. नहीं, तो सुंदर अच्छी, सुंदर अच्छी नहीं मतलब अच्छी खुशबू आ रही. नहीं, फेविकॉल नहीं है. फेविकॉल भाई, ये देखो दीदी साहब, सीधी सी बात है, तुम्हारे पास दो चांस हैं एंड एक चांस इसका जा चुका है. और दो भी नहीं थे वैसे तो, एक ही था, बट इसने फेविकॉल बहुत कॉन्फिडेंस से गेस किया था, वो फ्लॉप हो चुका है. तो मुझे पता है यार, ये कोई तो परफ्यूम टाइप ही है कुछ, पर कौन सा है नहीं पता. इस शेप का कौन सा परफ्यूम है हमारे पास? ये डीओ है क्या? है ये थिंक अपने सैनिटाइजर. यार सैनिटाइजर भी बार बार सूंघी जा. यार ये तो चीटिंग है, ऐसे यूज करके तो कोई भी बता देगा क्या चीज है. पास या तो ये सैनिटाइजर. क्या मतलब लास्ट क्या देगी, क्या है ये सैनिटाइजर? Are you sure? Are you 100% sure that this is a sanitizer? Past your own, take that. Take a sanitizer. Fine. This is wrong answer. Oh! Okay, so, kyunki isne wrong answer guess ke, now I'll ask her to remove her mask. Fine. Ye Oggy ka perfume hai. Perfect paw deodorizer and freshener for Augie, only for dogs and for Pooja. क्योंकि उसने अभी अपने बालों पे बहुत अच्छा इस्तेमाल लिया था. यार ये गलत है. I've never guessed it, never ever. I could have never guessed it. Okay, so अब time है dare का. Okay, truth or dare. मैं कभी आज तक अपनी life में dare नहीं लिया, जब भी मैंने different dare खेला है, तो आज मैं dare लेना चाहूंगी. ठीक है, तो मैं पूजा को डांस कराऊं, वो भी जलेबी बाई पे. ओ नहीं, व्हाई उसको डेयर नॉट हैपनिंग. डेयर ब्रो, दिस इज नॉट हैपनिंग. हाँ, हम लोग जलेबी बाई इसको डांस कराएंगे, बट अच्छे चीजें होने के बाद. जलेबी बाई नहीं, और कोई और गाना जलेबी बाई ही रहेगा. डांस भी इसे करना पड़ेगा. और हमें जरूर रिकॉर्ड करेंगे. जस्ट लेफ्ट फॉर टू, और उसके बाद मेरी बारी आएगी, और फिर मैं ऐसा डेयर. ओए मैंने तो 8 लीड रखे हैं. यार पागल है क्या? अरे मतलब मैं दूंगी 5 ही, बट कोई अच्छे अच्छे से दे बस. ओके, सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज, दिस इज अनदर वेरी यूजफुल प्रोडक्ट, सबके घरों में होता है, सैनिटाइजर होगा. तो वेट, सो ये मैं पूजा के हाथ में दोबारा देने वाली हूं. कौन सा फ्लेवर? लैवेंडर. रॉन्ग ब्रो. ऑर्किड मतलब पर्पल वाला. ऑरेंज है. ओह शिट. डफर. ओह शिट. सो नेक्स्ट जो मैं देने वाली हूँ वो काफी अच्छी चीज है. तो जस्ट फॉर फॉर आवर व्यूअर्स एंड फॉर पूजा. हां गाइस, दिस इज फॉर यू. हैप्पी डन. यार ये खा के बता रहे हैं. अरे बताया मार के बता दे. अभी नहीं बता दे. तो फाइव चीज हो गई ना? नहीं अभी हो गई होगी यार. अरे हाँ, ये तो हो गई. शिट, मुझे ये वाला पहले देना. ठीक है, एक और दे दे.
अच्छा बहुत मेहनत करके आई है इस सारी चीजों में उसका हराऊंगी, अभी तो मुझे एक ही हराना है। ये हमारा लास्ट एंड फाइनल प्रोडक्ट है एक्चुअली। मेरा जो आखिरी प्रोडक्ट ये होने वाला था, बट मुझे लगा इसकी शेप से कोई भी बता देगा क्योंकि ये काफी बेसिक है, तो मैं ये एक ऑप्शन मिल रहा है बस मैं इतनी मेहनत करके चीजें ढूंढी है, तो ये वाला मैं दे रही हूँ प्रोडक्ट। लो यार ट्यूब है, तो यार ट्यूब तो पैसे छूने से पता चल जाएगी ट्यूब है। थोड़ा तो बता क्या लग रहा है, क्या ट्यूब है, किसकी ट्यूब है? बीबी क्रीम। किसकी बीबी क्रीम क्यों है यार ये? क्यों तो है क्या पॉन्ड्स की बीबी क्रीम यार? ये तो क्योंकि हमारे घर पे एक ही बीबी क्रीम कोई बीबी क्रीम यूज तो करता नहीं, पड़ी रहती है क्या करे प्रीति 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 अरे वो कबीर सिंह यार पागल है क्या। चलो गाइस मैं बहुत बुरी तरीके से हारती हुई एक पॉइंट के साथ। आई विल नेवर फॉरगेट दिस। दिस वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने सेलेक्ट किया था, उसके बाद में मैंने सिर्फ चीजें उठाई थी, नहीं उठाई तो नहीं थी बाकी प्रोडक्ट्स का। प्रायोरिटीज गाइस प्रायोरिटीज, यू कैन सी मैं तो जीत गई हूँ क्लियरली, सिर्फ परफेक्ट की वजह से मैं हारी हूँ। परफेक्ट पॉप तो ऑगी ने मुझे हरा दिया है क्लियरली। अब अर्चना की बारी है, मुझे अपने पांच चीजों पे बहुत अच्छा भरोसा है कि ये कितनी उंगली है? छह। अब पांच। फर्स्ट थिंग दैट आई हैव गॉट इज दिस, तो इफ यू वांट यू कैन ओपन इट एज वेल, बट ओपन करने के बिना बताएगी तो तुझे हम पॉइंट देंगे ठीक है। फाउंडेशन है क्या? पहली फाउंडेशन है क्या? फाउंडेशन है क्या मतलब लाइक शी थिंक्स आई एम दैट स्टूपिड। ओके अपने हाथ आगे कर। व्हाट इज दिस नॉनसेंस, बोलो था ना ओपन बाद में करना है। ओके सो दिस इज अ बल्ब एंड दिस इज अ बल्ब बॉक्स, क्योंकि तूने पुराने स्पीकर वाले डब्बे के अंदर से इवन दोस चीजें कहां पे पड़ी हुई ठीक है। लेकिन गिव ये काफी जल्दी हो गया, इतना भी नहीं हुआ ठीक है, मेरा भी पहले वाला जल्दी था। मम्मा वुड बी सो प्राउड ऑफ यू विनिंग दिस गाइस। नो शी इज नॉट, शी इज नॉट बॉर्न विनर ठीक है। सेकंड थिंग इज दिस, नाउ लेट्स जस्ट सी इफ शी कैन गेस दिस। दिस इज अ शार्पनर व्हिच वाज केप्ट इनसाइड आवर ड्रेसिंग टेबल मे बी फॉर शार्पनिंग आवर आई पेंसिल्स एंड एवरीथिंग। मे बी इट्स ऑरेंज इन कलर, आई एम नॉट श्योर। कॉटन फंसा के लाई थी कि इसके होल से पता ना लगे। इवन टोल्ड मी कि इसमें ब्लेड नहीं है, ये ऑरेंज कलर का है। शुक्र है ये नहीं बोला कि इसके साइड में टेप भी लगी है। ओके दो चीजें अर्चना ऑलरेडी बहुत ही बुरी तरह मुझे हरा चुकी है और मुझे अपने ऊपर यकीन नहीं हो रहा है कि ये कैसे हुआ है। तो नाउ लेट्स गो। मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट थी अपने सामान को देख। ओके नेक्स्ट थिंग वी हैव इज दिस। दिस इज द नेक्स्ट थिंग। ये तो मेरा है, ये वो छोटा सा पाउडर है पॉन्ड्स का। हाँ ये वो पर्पल वाला। चीटिंग हो रही है मेरे है ना, वही है ना। हाँ भाई अब वाली जो चीज है वो शायद अर्चना नहीं बता रही। सब तो मेरा सामान उठा के लिए यार, मैं तो नहीं पता था इसका, मुझे लगा मम्मी का है। यार ये क्या चीज़? अरे ये पार्ले जी का आधा टुकड़ा है। यार ये मैंने अभी बिस्किट तोड़ा इसके अंदर, अब पॉलिथिन के अंदर ही तोड़ा है। देखो ये पूरा था, मुझे लगा पूरा बताऊंगी तो भाई पहचान जाएगी मैंने तोड़ा कि कुछ अलग लगे, और ये फिर खा के बस। अब तो मुझे लास्ट वाली चीज से भी उम्मीद नहीं है गाइस, मैं पक्का जलेबी भाई पे डांस करती दिखूंगी अभी। ये लास्ट चीज से मुझे उम्मीद है। दिस इज द लास्ट चीज। व्हाट हिल रहा है? अरे मेरा हाथ था वो। अच्छा अच्छा आय हाय यार, ये रोटी का वो टुकड़ा है गंदा सा। ड्राई रोटी स्टफ। ड्राई रोटी दी देखो पूरी।
ये इतनी हार्ड थी, मुझे लगा ये तो गेस नहीं कर पाएगी। मेरी तरह हार गई। विनर की हालत देखो, लेंस भी निकल रही है, सब निकल रहा है। ये व्हील फैल गया, पूरा लाइनर है, नहीं लाइनर है नीचे से पहला यहाँ से। गॉड, खुशी के आंसू भी आ गए अब तो। खुशी के आंसू गाइस, मैं तो हो गई थी उसने बीच में, मुझे ये सब चीजें गेस करने के लिए उठना भी नहीं पड़ा। Too bad man, too bad. I mean, मेरी एक चीज तो चलो बढ़िया थी यार, seriously this thing, मेरे को पता नहीं था होगी का सामान का पड़ा। मैं उसकी हड्डी लेने वाली थी, पर हड्डी की शेप बहुत इजीली गेस की जा सकती है यार। बहुत अच्छा था वो रोटी वोटी सब। अब तू बिल्कुल ही हर जगह कुछ तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना यार। मतलब कोई कोने में इतनी छोटी सी ऐसे करारी रोटी पड़ी थी, तो मेरे को लगा ये तो किसी को क्या ही पता होगी, ये तो किचन में एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब इसको वो भी पता था कि एक करारी रोटी पड़ी है, एक टुकड़ा रोटी का पड़ा है, ये गंदा सा और शॉर्पनर जिसके अंदर ब्लेड नहीं है पड़ा है, तो मैं क्या करूंगा। हम पूजा से बोलेंगे कि मैं कितनी अच्छी लड़की हूँ और मैं कितना कितनी बड़ी विनर हूँ आज की। मैं बहुत अच्छी और एक बहुत अच्छी विनर हूँ। मैं अर्चना शर्मा इन इंडिया, अर्चना शर्मा इन इंडिया, इन इंडिया देखो रुक गई थी मैं, इंडिया हो गया, देखो लाइक दैट, इंडिया बोल रहा हूँ, अर्चना शर्मा इंडिया बोल, अर्चना शर्मा इज बेस्ट ह्यूमन स्लैश जीनियस, शी इज नॉट, आई एम, बोल इसके बाद जलेबी बड़ा मस्त करेक्ट तो बोल। अर्चना शर्मा इज द बेस्ट, बोल द बेस्ट ह्यूमन स्लैश जीनियस, ह्यूमन स्लैश एलियन जीनियस, जीनियस यस। अब हम पार्ले जी नहीं, सॉरी पार्ले जी, ये जीनियस है जी माने जीनियस, पार्ले जी बेचारी ने छोटा सा टुकड़ा खाया तो पार्ले जी जी का जी आया बस। चिक 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 चिकने हाय चिकने मुझ पे फिसल गए, टक 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 टिकने हाय टिकने मुझ पे उतर गए, ओए तबा क्या होगा जो होगा सो होगा, सब मुझसे पूछते हैं तू कौन देश से आई, नाम जलेबी बाई, आहा जलेबी बाई, आहा जलेबी बाई। So guys, that was it for today's video. I hope you guys enjoyed it. If you did, please check out all my other videos. Don't forget to like, share and subscribe. I make pretty awesome content on all my socials. Follow me on Instagram, Facebook, Twitter and Snapchat. And enjoy some bloopers. Oh no. Any further ado, let's get started. थोड़ा ऐसे आ जाना यार, मत खोलो थोड़ी, अरे यार।